हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद हेमा। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं तिरंगा पराठा की रेसिपी, जो बहुत ही हेल्दी होते हैं। बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ डिज़ाइनर जब होता है तो बच्चे उसे बहुत ही मन से खाते हैं। ऐसे तो बच्चे पालक या चुकंदर इस तरह की चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब उनको हम कुछ अलग तरीके से देते हैं तो बच्चे उसे बहुत ही शौक से खाते हैं, और बच्चे बड़े सभी लोगों के लिए ये हेल्दी भी बहुत है। तो चलिए, आज हम आपके साथ ऐसी ही रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में बनी ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो तिरंगा पराठा बनाने के लिए हमने पालक और चुकंदर की प्यूरी बना ली है। तो पालक को पहले हमने धुल लिया और उसकी पत्तियों को निकाल के उसको बॉयल कर लिया, और बॉयल करने के बाद उसको हमने मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है। और ये चुकंदर लिया है तो चुकंदर को भी हमने पहले ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद इसको हमने बॉयल किया, और बॉयल करने के बाद इसको हमने मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया। तो इन दोनों चीज़ों की प्यूरी हमने तैयार कर ली है। ये तिरंगा पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही हेल्दी होता है, और बच्चे इसे बहुत ही पसंद करते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में या शाम के नाश्ते में इसको बना सकते हैं। तो पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले डो लगाएंगे। सबसे पहले हम एक सादा आटा का डो लगाएंगे। तो उसके लिए हमने 1.5 कप आटा लिया है, 1/4 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, और 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन हमने डाल दी। ऐसे हाथ में क्रश करके डालें, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हम डो तैयार कर लेंगे। तो ये सादा आटा जो है उसका डो बन गया है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं, और अब हम दूसरा आटा तैयार करते हैं। तो उसके लिए भी हमने 1.5 कप आटा लिया है, 1.5 कप, 1/4 टीस्पून नमक लिया है, और 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है, उसको क्रश करके डाल दी है, और 1 टेबल स्पून इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल देने से पराठा जो है बहुत ही खस्ता बनते हैं। और ये जो पालक हमने पीस के रखी है इसको हम डाल देंगे। तो पालक को हम जब डालेंगे तो इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले हम पालक से ही आटा सानेंगे। अगर इसमें लगता है कि पानी डालना है तभी डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। तो हमने बहुत थोड़ा सा, यानी कि 1 से 2 टेबल स्पून पानी ही डाला है, और इसका डो बन करके तैयार हो गया है। तो ये पालक का डो भी बन गया है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन कलर का। तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं, और उसके बाद हम अगला डो तैयार करते हैं। तो उसके लिए भी हमने 1.5 कप यानी कि 1.5 कप आटा लिया है, और 1/4 चम्मच नमक लिया है, 1/4 टीस्पून अजवाइन क्रश करके डाल दी है, और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। और सबको मिक्स करके इसमें चुकंदर की जो प्यूरी रखी है उसको हम डाल देंगे। तो इसको भी हम ऐसे ही डो लगाएंगे, इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। देखिए जितनी प्यूरी थी उसी में ये डो बन के तैयार हो गया है, इसमें बिल्कुल भी हमने पानी नहीं डाला है। तो ये तीनों डो बन गए हैं। अब हमने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है। तो हम बहुत ही सरल तरीका आपको बता रहे हैं। तीनों आटा की लोइयाँ हमने बराबर बराबर ले ली है। अब हमको एक रोटी जैसा बना लेना है। तो आप बड़ी सी रोटी बना लीजिए, लोई थोड़ी सी बड़ी लीजिए, क्योंकि इसमें हम करीब 3 पराठे हम बनाएंगे, तो इसलिए लोई आप थोड़ी सी बड़ी लीजिए, और रोटी की तरह ही पतला सा उसको बड़ा सा बेल लीजिए। तो देखिए बड़ी सी रोटी एक बन करके तैयार हो गई है। तो अब हम दूसरी रोटी बनाएंगे। तो इस रोटी को हमने साइड में रख दिया है, और अब हम ग्रीन कलर की बनाएंगे। तो ग्रीन कलर की भी ऐसे सूखा आटा लगा करके, बस जैसे आप रोटी बनाते हैं बस वैसे ही इसको बेल लेना है। तो ये वाली भी बन गई है। अब हम तीसरी वाली बनाएंगे। तो ये तीसरी रोटी भी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो हम अब सबसे पहले जो सादे आटे की जो रोटी हमने बनाई है उसमें हम ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद उसके ऊपर हम ग्रीन कलर की रोटी को रख देंगे, फिर इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे, और उसके बाद हम रेड कलर की रख देंगे रोटी। तो इन तीनों रोटियों को हमने इस पर रख दिया है, और इस पर हम ऑयल लगा करके और इसको पतला पतला सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे।
जो कलर आपको पराठे में ज़्यादा पसंद हो आप वो रोटी सबसे नीचे रखिए। तो हमने वाइट कलर रखा है और ये रोल बन के तैयार हो गया है। अब इसमें के हम बराबर बराबर भाग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसके बराबर भाग कर लिए हैं। अब इसको खड़ा खड़ा सा ऐसे हम दबा देंगे। अब इसका हम पराठा तैयार करेंगे। तो इसमें सूखा आटा लगा करके इसको हम बेल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया सी डिज़ाइन इसमें बीच में आ रही है और बच्चों को ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आएगी और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है पराठा। देखिए कितनी सुंदर सी डिज़ाइन बन रही है। बस आपको ऐसे ही करना है और बहुत ही जल्दी से ये फटाफट बन जाता। इसको हमने बेल लिया है, अब इसको हम सेकेंगे। तो इसके लिए हमने एक तवा गैस पे चढ़ा दिया था, तवा गर्म हो गया, उसमें थोड़ा सा आयल डाल के हमने पराठे को डाल दिया है और आयल लगा करके इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए पराठा सेक करके तैयार हो गया है। तो अब आपको हम दूसरी डिज़ाइन बताते हैं कि हम दूसरा पराठा कैसे बनाएंगे। तो दूसरा पराठा बनाने के लिए हमने तीनों आटे की छोटी छोटी सी लोई बना ली है और इसको हम एक दूसरे में मिला करके इसको हम गोल कर लेंगे। अच्छे से सब मिल जाना चाहिए, हमको इतना रोल करना है कि अच्छे से ये तीनों आटा एक दूसरे में चिपक जाएं। तो इस तरीके से हमने तीनों आटा की लोई बना ली है। अब सूखा आटा लगा करके इसको हम बेल लेंगे। इस तरीके से आप बेल लीजिए दोनों तरफ से, जिससे इवनली ये सब तरफ से बराबर हो। इसको हमने बेल लिया है और अगर आपका शेप सही नहीं आ रहा है या आप बहुत ही परफेक्ट शेप चाह रहे हैं तो आप क्या करें, इसको बेलने के बाद इस तरह का कोई ढक्कन ले लीजिए या कोई छोटी थाली हो उसको रख करके इसमें दबा दीजिए और ये जो साइड वाला पोर्शन इसको निकाल दीजिए और आपका पराठे का शेप जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हम इसको भी सेक लेते हैं। पैन पे हमने थोड़ा सा आयल डाल दिया है और इसको पराठे को डाल दिया और दोनों तरफ से आयल लगा करके इसको बढ़िया से मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। तो देखिए याला पराठा भी बन गया है। तो आप अपने बच्चों को या बड़ों को आप सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में आप इस पराठे को बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। तो गाइस उम्मीद करती हैं कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक किए बिना यहाँ से बिल्कुल भी मत जाइएगा और बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।